श्रीकाल जी कटमौनी। काफी दिनों के बाद मैं इसे खास करने जा रहा हूँ और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा कैसे मैं खास करने के लिए क्या यूज करता हूँ इसको खास करने के लिए। और शैम्पू लगेगा और उसकी आज डायरेक्ट डाल रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर, तो उसके बाद मैं इसको कपड़े भी डालूंगा। इसके एक जो पाउच है तो मैंने ऐसे लगाया, तो दूसरा पाउच है तो मैं कपड़े भी लगाऊंगा और थोड़ा थोड़ा साइडों पर भी लगाऊंगा। कपड़े भी लगाने के बाद थोड़ा मार्ग स्टार्ट कर दिया, तो देखिए कैसे ख्याल हो गए, उसके रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। Thank you.
थी, अच्छे से हम जा पाएंगे अच्छे से। अगर ऊपर बैठे हैं आप बाइक में तो अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसका साथ। क्योंकि मैं अच्छे से पूरे हैंडल वगैरह पे काबू लगा रहा हूँ, क्योंकि दो फुल आप अपनी पूरी बाइक साफ कर सकते हैं, दो तरफ बताता हूँ कि क्या कलर है। ही रेड कलर बताऊंगा तो मैंने इसका ही इसके कलर का ही सेम किया और अभी मैं इसको धोने धो रहा हूँ। अभी मैं दूसरी साइड आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे पानी कम आ रहा था, मेरे पास गाइस तो था नहीं कोई पास में दूर बनाने के लिए, तो उससे पहले साफ किया उसके बाद भी ये मैंने स्टार्ट किया। ये देखिए मैंने धो दिया अब ये पूरा, आप देख सकते हैं। आप इसको धोने के बाद एक स्टैंड में खड़ा देना क्योंकि पानी जो है वो गिर जाएगा, जो है आप उससे ही बाइक देनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप मैं कैसे कपड़ा मार रहा हूँ, अच्छे से कपड़ा मारना और साफ कपड़ा मारना। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि वही कपड़ा मारे धो के मारे, तो वही कपड़ा मारे क्योंकि वो थोड़ा गीला भी होगा और अच्छा भी होगा। मैं एक आधा कपड़ा वर्क आउट करिए कॉटन का, आप दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने क्योंकि अगर आप वॉशिंग सेंटर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी करीब करीब आपका 100-150 तो लग ही जाएगा बाइक साफ करने का, अगर आप स्प्रे गन से करवाते हैं तो इससे अच्छा है आप डोर पे इन्वेस्ट करें इन शॉप एंड आप अच्छे से अपनी बाइक को साफ करते हैं। पर बहुत ही ज्यादा साफ हुआ है क्लीन प्लस से, बहुत ही सारा।